गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आगे का पढ़ेंगे। जहाँ हमने कल तक पढ़ लिया था, कल पढ़ लिया था हमने ये भूकंप त्वरण मापी का डेरिवेशन चल रहा था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। xm कैपिटल xm इक्वल टू वाई एक्स वन ओमेगा वन का स्क्वायर अपोन में k बाई एम माइनस ओमेगा वन का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस b बाई एम का स्क्वायर ओमेगा वन का स्क्वायर फिर ब्रैकेट बंद का पूरे का वन बाई टू, ठीक, पूरे की पावर वन बाई टू। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम एक्स एक्स एम अपॉन एक्स वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स ओमेगा वन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ब्रैकेट शुरू कैपिटल ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट तो फिर स्मॉल छोटा ब्रैकेट शुरू के बाई एम माइनस ओमेगा वन का स्क्वायर ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस बी बाई छोटा ब्रैकेट शुरू बी बाई एम छोटा ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर ओमेगा वन का स्क्वायर फिर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद की पावर वन बाई टू। फिर एक्स एम अपॉन एक्स वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा वन का स्क्वायर छोटा बड़ा ब्रैकेट अपोन में अपोन अपोन में शुरू बड़ा ब्रैकेट शुरू फिर छोटा ब्रैकेट शुरू के बाई एम माइनस ओमेगा वन का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज छोटा ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस बी बाई एम का स्क्वायर ओमेगा वन का स्क्वायर फिर बड़ा ब्रैकेट बंद की पावर वन बाई टू। अब हम बताए कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा एन इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में के बाई एम। अवमंदन अनुपात, अवमंदन अनुपात जीटा इक्वल टू क्या होता है, अवमंदन अवमंदन नियतांक अपोन में क्रांतिक अवमंदन नियतांक तो बी अपोन टू एम ओमेगा एन, या कह सकते हैं इक्वल टू बी अपोन टू एम अंडर रूट में के बाई एन, ओमेगा एन के इसमें मैंने वैल्यू रख दी तो जीटा इक्वल टू बी अपोन टू अंडर रूट में के एम, ठीक है। अब विस्थापन गुणांक एक्स एम अपोन एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा वन अपोन में ओमेगा एन का पूरे का स्क्वायर, ठीक है, फिर बराबर ब्रैकेट शुरू फिर मजला ब्रैकेट शुरू वन माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा वन ओमेगा एन का स्क्वायर फिर मजला ब्रैकेट बंद का स्क्वायर प्लस टू छीटा फिर छोटा ब्रैकेट शुरू ओमेगा वन अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर ब्रैकेट बंद का स्क्वायर फिर छोटा बड़ा ब्रैकेट बंद का की पावर वन बाई टू। अब यहाँ से फाई इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, टैन इनवर्स टू छी टू टू जीटा ओमेगा वन अपॉन ओमेगा एन अपॉन में वन माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है, रेडियन। ये आ गया आंसर हमारा डेरिवेशन फाइनल। फिर है विभव प्रकार विभव मापी प्रकार के त्वरण मापी, विभव मापी प्रकार के त्वरण मापी की रचना सभी त्वरण मापी मापियों में सबसे सरल होती है, तो जो विभव मापी त्वरण प्रकार की रचना होती है वो सभी त्वरण मापी के रचना से अलग होती है। भूकंपी द्रव्यमान स्प्रिंग व अवमंदक डैशबोर्ड से जुड़ा रहता है, जो भूकंपी द्रव्यमान है वो स्प्रिंग या अवमंदक डैशबोर्ड से जुड़ा रहता है। स्प्रिंग व डैशबोर्ड त्वरण मापी के हाउसिंग फ्रेम से दृढ़तापूर्वक जुड़े रहते हैं, जो हमारा स्प्रिंग और डैशबोर्ड होता है वो त्वरण मापी के क्या है, हाउसिंग फ्रेम से दृढ़तापूर्वक जुड़े रहते हैं। द्रव्यमान पर लगा बाईपास प्रतिरोध विभव मापी पर सरकने के लिए स्वतंत्र रहता है, जो द्रव्य मापी पर हमारा बाईपास पर लगा रहता है वो प्रतिरोध विभव मापी को क्या है, सरकने के लिए स्वतंत्र रहता है। हाउसिंग फ्रेम के सापेक्ष द्रव्यमान का विस्थापन विभव मापी द्वारा वोल्टेज के रूप में पढ़ लिया जाता है, तो हाउसिंग फ्रेम के सापेक्ष जो द्रव्यमान का विस्थापन है वो हम क्या है, वोल्टेज के रूप में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब जो सरकने जो हमारा हाउसिंग फ्रेम के सापेक्ष जो हमें द्रव्यमान का विस्थापन आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो हमें कहाँ पर वोल्टेज के रूप में पता चल जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम है, ये हमारा हाउसिंग फ्रेम हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, ये मास हो गया, ये बाईपास हो गया, ठीक है, ये आउटपुट हो गया, ठीक है, ये डैशबोर्ड हो गया, ठीक है, इसका डायग्राम। अब है एलवीजीटी पद पर टिप्पणी, एलवीजीटी पर त्वरणमापी रेखीय वोल्टेज वोल्टता विभेदी ट्रांसफॉर्मर द्रव्यमान पर आधारित होती है, तो एलवीजीटी क्या है, त्वरणमापी रेखीय वोल्टता विभेदी ट्रांसफर द्रव्यमान पर आधारित होती है, ठीक है। एलवीडीटी को प्राइमरी कुंडली पी पर एसी इनपुट दिया जाता है, सेकेंडरी कुंडली तो एलवीडीटी को क्या है, प्राइमरी कुंडली पे क्या देते हैं, प्राइमरी कुंडली जो पी है उस पे क्या देते हैं हम, एसी इनपुट। जो सेकेंडरी कुंडली एस वन है उस पर एस वन एस टू को क्या है, एक दूसरे के विपरीत श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। जो सेकेंडरी कुंडली हमारी एस वन एस टू है उसे हम एक दूसरे के क्या है, विपरीत श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं।
जिसके सेकेंडरी कुंडलियों के सिरों पर विभेदी आउटपुट वोल्टता प्राप्त होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सेकेंडरी कुंडलियाँ हैं उसके सिरों पर एंड पर हमें क्या है, एक विभेदी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। एलवीडीटी तरंगमापी का प्रयोग का कोर सिस्मिक द्रव्यमान की तरह कार्य करता है, जिसका कोर है वो सिस्मिक द्रव्यमान की तरह कार्य करता है। कोर हाउसिंग फ्रेम से जुड़ी के सारे टिका रहता है, ठीक है। एलवीडीटी के लाभ निम्नलिखित है, कोर का द्रव्यमान कम होता है, अतः इसकी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट में के बाई एम अधिक होती है। तो कोर का द्रव्यमान कम होता है, इसकी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा एन वो क्या है, अंडर रूट के बाई एम से ज़्यादा होती है, इसलिए इसके द्वारा उच्च आवृत्तियों के कंपनों का मापन संभव है। तो उच्च आवृत्तियों का भी हम कंपन माप कर सकते हैं इसके द्वारा। अस्थाई तक निम्न आवृत्ति के कंपन मापने के लिए उपयोगी तरंगमापी है, मतलब जो अस्थाई तक मतलब कम से कम आवृत्ति के हम कंपन भी इससे माप सकते हैं। विभव तरंगमापी की तुलना में इसके गतिरोध कम होता है, इसका गतिरोध भी कम होता है विभव तरंगमापी की तुलना में। ये इसका हमारा डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स वन साइन ओमेगा वन टी, ये एसी इनपुट, ये हमारा रीड, ये कोर है, ये एस वन है, ये विभेदी आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। ये इसका हमारा डायग्राम है, ये एस वन एस टू है, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम पीजो इलेक्ट्रिक तरंगमापी, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।